अपनी जिंदगी को, जिंदगी की चीजों को, अपने घर को। मौलाना अरशद के भतीजे हसद मदनी का कहना है कि अगर हिंदू देश बनाने की बात करने वाले गद्दार नहीं है तो मुस्लिम देश की मांग करने वाले भी गद्दार नहीं कहलाएंगे। मैं अगर ये कहूँ कि देश से सबसे ज्यादा प्रेम मुसलमान करता है, देश के अंदर मुसलमानों को गद्दार कहा जाता है। मध्य प्रदेश के सागर में बाबा बागेश्वर ने हसन मदनी का नाम लिए बिना अपने अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने लोगों से हिंदू राष्ट्र की अर्जी लगाने की अपील की। हमको अर्जी लगाई क्योंकि आप लोग भी लगाइयो, भारत हिंदू राष्ट्र बन जाए। और अर्जी लगाइयो विरोधियों की छतरी बन जाए। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने मदनी को अपने गिरेबा में झांकने की हिदायत दी। और थोड़ा मदनी को अपने अंदर भी झांकना चाहिए, देवबंदी विचारधारा के बारे में भी विचार करना चाहिए। पूरे विश्व में जिहाद के नाम पर सभ्य समाज को जो आतंक पैदा कर रहे हैं,